नमस्ते बच्चों, तो आज की वीडियो में हमने जो है वो क्लास 7 का 18 नंबर का चैप्टर साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड स्टार्ट किया था। एक पार्ट खत्म हो चुका है। आज नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ऑसिलेटर, ऑसिलेशन एंड ऑसिलेटर मोशन। बहुत सिंपल है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। क्या होता है, डायग्राम देख के, इतना बड़ा थ्योरेटिकल देख के हमें कभी कभी क्या होता है वो हार्ड लगता है, पर बिल्कुल सिंपल है। देखिए, जो स्विंग होता है, स्विंग मैं यहाँ पे पढ़ता भी हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आएगा। स्विंग यानी क्या होता है, देखिए हम बचपन में खेले हैं, स्विंग यानी झोंका लेते थे, ठीक है। लोग क्या करते थे, पहले जो झाड़ की टहनियाँ होती थी उसको एक रस्सी बांधते थे और उस पर एक झूला बटाते थे। अब इसको देखिए, हम सबसे पहले पीछे जो है वो खींचते थे, जब भी बैठते थे तो पहले पीछे खींचते थे। अब ये सेंट्रल पोजीशन हो गई, ये एक दूसरी पोजीशन हो गई, तो पीछे खींचने के बाद ये जो स्विंग है ये आगे की तरफ जाता था, ठीक है, यहाँ तक जाता था, यानी सी पोजीशन पे चला गया, और फिर से ये वापस आता था सेंट्रल पोजीशन पे और फिर से यहाँ पे आता था। तो ऐसा जो है वो चालू रहता था और इसी को ऑसिलेटरी मोशन बोला जाता है। कितना सिंपल है, यानी एक पॉइंट से निकल के वो दूसरे एंड तक आता है और फिर से एक एंड पर जहाँ पे वो गया था वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आता है, यानी जहाँ से निकला था दूसरे एंड तक जाने के बाद वो सेंट्रल पोजीशन को क्रॉस करके पहले पोजीशन पे यानी स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस आता है। उसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटर, ठीक है। अब देखिए, अब ये डिपेंड होता है, देखिए ये सी जो है ना, ए सी और ये है ए डिस्टेंस ए बी। अब ये डिपेंड किस पे होता है कि ये कितना दूर जाएगा, ये डिपेंड होता है कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। देखिए, अगर मान के चलो कि हमने इस पर बहुत ज़्यादा ऐसा खींचा, इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया, मान के चलो कि ये कटोरी है, ठीक है, उस पर एक रबर बांध दिया है आपको, एक रबर बांध दिया, ठीक है, कटोरी पे, और इसको आपने बहुत फोर्स लगाया, तो जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ये रबर जो है वो आगे पीछे जाएगा। तो ये जो पोजीशन है एसी, यानी देखिए इस पे भी सेंट्रल पोजीशन इस रबर की ए पॉइंट, ये भी खींचने के बाद बी और ये सी, इसको समझिए, ठीक है, एम्पलीट्यूड को समझिए। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये कटोरी है और इसमें हमने एक रबर बांध दिया, स्ट्रेच रबर बांध दिया, इसको आपने जो है वो पीछे लेके गए और छोड़ दिया, तो पीछे लेके जाने के बाद ये आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, थोड़ी देर ऐसा वाइब्रेट होगा और फिर से सेंट्रल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये कितना दूर जाएगा, ये यहाँ से कितना दूर जाएगा, ये डिपेंड होता है कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। हम जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा ये इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ेगा। एम्पलीट्यूड यानी ये पोजीशन ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये से ये बी तक गया, बी से फिर सी तक गया, तो इसका एम्पलीट्यूड ए बी हो गया और इसका ए सी हो गया, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड है, हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा जो है वो एम्पलीट्यूड रहेगा, ये सबसे पहले आपको समझना होगा। और जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा उतना जो है वो हमें साउंड जो है वो ज़्यादा सुनाई देगा, यानी ये साउंड किस पे डिपेंड है, एम्पलीट्यूड पे। ये जितना दूर जाएगा उतना ज़्यादा हमें जो है, यानी एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा है, रबर स्ट्रेच करोगे तो जितना ज़्यादा वो दूर जाएगा उतना ज़्यादा जो है वो हमें साउंड भी जो है वो ज़्यादा सुनाई देगा। देखिए, अब पढ़ता हूँ, एक एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ जाएगी। ऑसिलेटर, ऑसिलेशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। यू मस्ट हैव सीन चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द स्विंग इन द गार्डन। स्विंग यानी झोंका, यही हमने आपने देखा होगा कि जो झोंका होता है उसमें जो है वो बच्चे खेलते हैं, झूला। ऑब्जर्व द केयरफुली द मोशन ऑफ स्विंग, यानी झूले की जो मोशन है वो अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। आपने सभी ने उसको ऑब्जर्व किया है, आगे जाता है पीछे जाता है, सिंपल है, कोई ऐसा डिफिकल्ट रॉकेट साइंस नहीं है। गो टू स्विंग एट द रेस्ट, गो टू अ स्विंग एट रेस्ट इन अ गार्डन एंड मार्केट पोजिशन। जब वो रेस्ट में रहता है तो ऐसा रहता है, ठीक है, उसकी पोजिशन जो है वो ऑब्जर्व कीजिए। यू कैन स्टिल दिस मार्क द सेंट्रल पोजिशन ऑफ द स्विंग, नाउ पुल द स्विंग वन साइड एंड लेट इज गो, ऑब्जर्व व्हाट। सेंट्रल पोजिशन के एक साइड पे खींचना है, उसको छोड़ना है, तो वो क्या आगे पीछे जाएगा, सिंपल है। द स्विंग विल बी सीन क्रॉस सेंट्रल पोजिशन अगेन एंड इट मूव्स फ्रॉम वन एंड टू। तो वो सेंट्रल पोजिशन को क्रॉस करेगा, ये सेंट्रल पोजिशन होगी ए, तो यहाँ से हमने इसको खींचा और छोड़ दिया, ये पॉइंट कौन सा है, बी, तो ये सी तक जाएगा, फिर से ए तक आएगा, फिर से बी तक जाएगा, फिर से ए तक आएगा, फिर से, तो ऐसा सेंट्रल पोजिशन को क्रॉस करके वो एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा, दूसरे एंड से फिर एक एंड में आएगा, और उसी को क्या बोला जाता है, देखिए द स्विंग दैट मूव बैक एंड फोर्थ, पीछे और आगे जाने का जो जो झूला है वो जो मूव होता है उसी को ऑसिलेटर बोला जाता है, यानी आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, उसी को ऑसिलेटर बोला जाता है। व्हेन द स्विंग मूव फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड एंड रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, यानी यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो एक एंड से दूसरे एंड तक गया, फिर से ओरिजिनल जो पॉइंट है वहाँ पे वापस आया, और उसी को क्या बोला गया है, कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन यानी ये हमने इस स्विंग को पीछे खींचा, पीछे खींचने के बाद ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट होगी,
तो बी से सी तक गया और सी से फिर बी तक आया, तो ये हो गया वन ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन कब होता है, जब स्टार्टिंग पॉइंट से वो दूसरे एंड तक जाता है और फिर से वहां से रिटर्न पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है, उसको बोला जाता है वन ऑसिलेशन। देखिए, स्विंग दैट मूव बैक एंड फोर्थ इसका ऑसिलेटर, व्हेन अ स्विंग मूव फ्रॉम वन एंड, एक एंड से मूव होता है टू द अदर एंड रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट, जहां पे स्टार्ट किया था वहां पे जाता है, इट सेड टू बी हैव वन कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन जो कंप्लीट होता है, द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ऑसिलेशन ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल पोजिशन, द बैक एंड फोर्थ आगे और पीछे का जो मोशन है ऑसिलेटर का ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल पोजिशन, यानी सेंट्रल पोजिशन के किसी भी साइड तक जो जाता है उसी को ऑसिलेटरी मोशन बोला जाता है। यानी ऑसिलेटरी मोशन क्या है, आगे जाने वाला और पीछे जाने वाला, ये जो इसकी मोशन है आगे पीछे उसी को हम ऑसिलेटरी मोशन जो है वो बोलते हैं। वही अब दिया है कि अब एक्सपेरिमेंट दिया, एक्सपेरिमेंट यानी जो मैंने बाउल का आपको बताया, जो टेक द एम्प्टी पोर्सिलेन बाउल, पोर्सिलेन यानी चीनी का, जो चीनी का एक था बाउल ले लीजिए और एन एम्प्टी स्टील ग्लास या स्टील ग्लास ले लीजिए, उसको एक स्ट्रेच रबर बैंड एंड फिक्स द बाउल ग्लास शोन एंड पिक्चर। तो हमें एक बाउल लेना है और उसको एक रबर जो है वो स्ट्रेच करके ऐसा बांध देना, या एम्प्टी ग्लास लेना है, पर यहाँ पे बाउल लोगे तो अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है। बाउल ग्लास से शोन इन पिक्चर, नाउ गिव जर्क ऑफ रबर बैंड, रिपीट दिस एक्शन अप्लाइंग स्मॉलर एंड ग्रेटर फोर्स, बस उसको ऐसा तानना है, ठीक है, जर्क करना है, ठीक है। अप्लाइंग द स्मॉलर एंड ग्रेटर फोर्स व्हाइल डूइंग दिस, ऑब्जर्व द फास्टेस्ट डिस्टेंस टू विच रबर बैंड इज स्ट्रेच, फार्थेस्ट डिस्टेंस टेक नोट, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, आपने कितना फोर्स लगाया और कितना फोर्स लगाने के बाद वो कितना ज्यादा, देखिए ज्यादा फोर्स लगाओगे वो ज्यादा दूर जाएगा, कम फोर्स हल्का सा करोगे तो वो ज्यादा वाइब्रेट नहीं होगा, सॉरी कम फोर्स लगाओगे तो वो कम वाइब्रेट होगा, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वो ज्यादा वाइब्रेट होगा। देखिए, व्हेन द रबर बैंड इज स्ट्रेच एंड रिलीज इट वाइब्रेट, जब आप रबर बैंड को जो है वो स्ट्रेच करोगे और उसको छोड़ दोगे तो वो वाइब्रेट करेगा। कंपेयर द वाइब्रेशन विद द फिगर अलॉन्ग साइड, व्हेन द रबर इज स्ट्रेच फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन ए एंड कम्स टू द पोजिशन बी, इट इज सीन टू बी द कट, जब वो ए से, यानी ये मान के चलो कि अब रबर है, हमने इसको खींचा तो ये ए से बी तब जाता है, थोड़ा कर हो जाता है, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, इस प्रकार से कर्ड हो जाता है, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पोजिशन ए एंड बी इज स्ट्रेचिंग रबर इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, तो इस एम्पलीट्यूड इसको बोला जाता है, ये हम जो स्ट्रेच कर रहे हैं, ये सेंट्रल पोजिशन ये थी, यहाँ पर यहाँ तक गया, फिर से यहाँ तक, तो ए बी क्या हुआ उसका एम्पलीट्यूड हुआ, ए सी क्या हुआ उसका एम्पलीट्यूड हुआ, तो जितना स्ट्रेच करने के बाद वो सेंट्रल पोजिशन के दूसरे पॉइंट तक जाता है और यहाँ से दूसरे पॉइंट तक जाता है उसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है, यानी कितना डिस्टेंस वो क्रॉस करता है, समझ में आ गया, सिंपल है। एम्पलीट्यूड का मीनिंग सिंपल है कि वो पेंडुलम से अच्छा समझता है आपको स्ट्रेच रबर से ज़्यादा, एक यहाँ से यहाँ तक गया, अब जितना ज़्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा, देखिए ये जो पेंडुलम है इसको मैंने कम फोर्स लगाया तो ये यहीं तक जाएगा, तो ये ए मान के चलो कि डी है तो ए डी इसका एम्पलीट्यूड हो गया, मैंने इस पेंडुलम को और पीछे लेके गया और छोड़ दिया तो ये बहुत ज़्यादा जाएगा, यानी जितना ज़्यादा मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उतना ज़्यादा जो है वो एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ रहा है। देखिए, व्हेन अ ग्रेटर फोर्स, आपको समझना क्या है कि जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या है, डिस्टेंस सेंट्रल पोजिशन पे दूसरे एंड तक का डिस्टेंस। व्हेन द ग्रेटर फोर्स इज अप्लाइड टू द रबर, जब हम रबर पे ग्रेटर डिस्टेंस अप्लाई करते हैं, इट इज स्ट्रेच फर्दर, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेच होता है, मीनिंग दैट द एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है। आपको रबर के एग्जाम्पल से अच्छा नहीं समझता, इससे अच्छा समझता है, देखिए जब हम स्विंग लेते हैं, झोंका लेते हैं, झूला झूलते हैं, तो जितना ज़्यादा पीछे जाएंगे उतना ज़्यादा ये झूला जो है वो आगे जाएगा, तो हमने क्या किया, जितना पीछे गए तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, इसकी वजह से वो आगे गया तो ये डिस्टेंस बढ़ गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। मीनिंग क्या है एम्पलीट्यूड का, सेंट्रल पोजिशन के दूसरे पॉइंट पे जाता है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जितना ज़्यादा हम डिस्टेंस ग्रेटर डिस्टेंस जो है वो कवर होगा जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, यानी व्हेन अ ग्रेटर फोर्स इज अप्लाइड टू द रबर द स्ट्रेच फर्दर, मीनिंग व्हाइल दैट एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज, ऑन रिलीजिंग इट द लाउडर साउंड इज जनरेटेड, तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और उतना ज़्यादा जो है वो लाउडर साउंड जो है वो जनरेट होगा। व्हेन स्मॉलर फोर्स इज अप्लाइड टू रबर, जब स्मॉलर फोर्स अप्लाई करोगे तो ये स्ट्रेच भी कम होगा, देन एम्पलीट्यूड इज स्मॉलर एंड साउंड इज सॉफ्टर, तो एम्पलीट्यूड भी छोटा रहेगा और साउंड भी जो है वो छोटा रहेगा। यानी आपको पता होना चाहिए कि जब हम फोर्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, साउंड भी ज़्यादा होता है, फोर्स कम लगाओगे एम्पलीट्यूड कम होगा और साउंड भी जो है वो कम सुनाई देगा। टेक अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड 1.5 meter, टाई द स्मॉल आयरन और वुडन बॉल टू इट एंड सस्पेंड इट, सपोर्ट शोन, यही आपको जो है पेंडुलम लगाना है, बोलते हैं सच ऑसिलेटर इज कॉल्ड पेंडुलम, तो उसको ऑसिलेटर को क्या बोलते हैं, पेंडुलम, जो घड़ी वगैरह थी पेंडुलम वाली घड़ियाँ भी थी तो उसको ऑसिलेटरी मोशन बोला जाता है, उसको पेंडुलम को ऑसिलेटर बोला जाता है।
गिव एन ऑसिलेटरी मोशन टू द पेंडुलम, पेंडुलम को ऑसिलेटरी मोशन दे दीजिए, यानी उसको ऐसा कीजिए वो बस घूमते रहेगा, ऐसा ऐसा एक एंड तक जाएगा दूसरे एंड तक जाएगा. गिव एन ऑसिलेटरी मोशन टू द पेंडुलम, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पोजिशन ए ऑफ द पेंडुलम एंड द एक्सट्रीम पोजिशन बी और सी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. यानी वही बताया कि ए बी और या फिर ए सी का जो है वो क्या है उसको एम्पलीट्यूड बोला जाएगा. इन द फिगर ए बी सी इसको जो है वो एम्पलीट्यूड बोला जाता है. एम्पलीट्यूड समझ में आएगा ना बच्चों. अब देखिए स्ट्रेच रबर रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट एंड रिलीज, जब हम स्ट्रेच रबर को छोड़ देते हैं तो उसके ओरिजिनल पे स्टेट पे आता है और उसी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं. व्हेन स्ट्रेच रबर बैंड वाइब्रेट, जब तो अपनी इलास्टिसिटी की वजह से जो है वो रबर जो है वो वाइब्रेट होता है. ऑल द व्हाइल दैट पेंडुलम ऑसिलेट, जब पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अपना काम करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी उस पर एक्ट होता है. तो ये सिंपल था, ऑसिलेटर, ऑसिलेटरी मोशन, मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स का उस पर क्या इंपैक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हमने सीखने की आज की वीडियो में कोशिश की. नेक्स्ट इसमें हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड फ्रिक्वेंसी. एम्पलीट्यूड समझ में आ गया, यानी डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो सेंट्रल पोजिशन पर जाता है उसको सिंपली हम जो है एम्पलीट्यूड बोलते हैं. फोर्स बढ़ेगा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, साउंड बढ़ेगा. फोर्स कम होगा एम्पलीट्यूड कम होगा, साउंड कम होगा. तो ये आज की वीडियो में एम्पलीट्यूड के बारे में, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटर, ऑसिलेशन ये समझने की कोशिश की. नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट पार्ट देखेंगे. आज का वीडियो बच्चों समझ में आया, अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.